M6 कॉटन में भी हमने तेजी आते हुए देखी है, 43,000 के ऊपर हमने कॉटन को ट्रेड होते हुए देखा है M6 के ऊपर, आज भी देख रहे हैं 43,000 के ऊपर तो नहीं है लेकिन 42,000 के ऊपर सस्टेन हो रखी है। मार्केट एक्सपर्ट्स को भी ये लग रहा है कि कॉटन में अभी भी यहाँ से तेजी बन सकती है क्योंकि नया माल तो सितंबर अक्टूबर में ही आता है। दूसरा, अभी विदेशों में जो डिमांड है वो स्ट्रांग बनी हुई है कॉटन की, घरेलू बाज़ार में भी कपास की भी जो मांग है वो अच्छी खासी बनी हुई है, जानकारी यहाँ से कॉटन में आगे तेजी का ही रुझान बता रहे हैं। दूसरा, अमेरिका में इस बार कॉटन की जो प्लांटिंग है यानी कि जो एकरेज है वो थोड़ा कम रह सकता है क्योंकि टेक्सास जो जगह है अमेरिका में, जो कि अमेरिका में कॉटन के लिए मुख्य उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है, वहाँ पर सूखे के हालात हैं जिसकी वजह से कॉटन की जो सप्लाई है कम रहने, कॉटन का जो उत्पादन है कम रहने की वजह से सप्लाई कम रहने की चिंताओं के बीच यहाँ पे अभी विदेशों में तेजी दर्ज की जा रही है। तो कॉटन में ओवरऑल रुझान तेजी का ही है। जानकारों के अनुसार कॉटन यहाँ से अब 43,000 तो दिखा सकती है, नेक्स्ट लेवल दिखा चुकी है 43,000 M6 कॉटन। अब यहाँ से अगला जो टारगेट दिया गया है जानकारों द्वारा वो दिया गया है 45,000 का, फिर 45,000 के बाद ऊपर में कॉटन 47,500 तक जाती नजर आ सकती है। तो कॉटन के साथ साथ हाजिर में कपास की भी जो कीमतें हैं उनमें भी तेजी आती नजर आ सकती है। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।